हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम अलैकुम वड़कम वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी ट्रिप ब्लॉग्स और मेरा नाम है पंकज। मैं करता हूं आपका स्वागत मेरे इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज मैं पहुंच गया हूं तमिलनाडु की एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन रामेश्वरम में। तो इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं क्या कुछ खास और प्रसिद्ध है रामेश्वरम में देखने के लिए, क्या कुछ खाने पीने और रहने की व्यवस्था है यहाँ रामेश्वरम में, और यहाँ के क्या है लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और आइए मेरे साथ घूमिए रामेश्वरम। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा सफर, हम निकल चुके थे पौंडीचेरी से और चिदंबरम नागापट्टिनम होते हुए पहुंच गए थे वेलंकनी बीच तक। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक डाल दिया है मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलंकनी कवर करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं रामेश्वरम के लिए, जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस सफर की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हो, कितना खूबसूरत व्यूज आ रहे हैं इस समुंदर के साथ। तो अभी हम हैं रामेश्वरम से केवल 51 किलोमीटर दूर, यहाँ से टर्न लेंगे, फिर वो एक ब्रिज आएगा और उसके बाद हम रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। करीब एक घंटे का समय अभी लगेगा और अभी समय हो रहा है शाम के 6:15 बज रहे हैं, तो उम्मीद है 7 बजे तक हम रामेश्वरम पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम। और कल शाम को हम यहाँ रामेश्वरम पहुँच गए थे करीब 7:30 बजे, और फिर हमने ये होटल MS रेजिडेंसी चूज़ कर लिया था। यहाँ काफ़ी सारे होटल हैं, आपको ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आपको 500 रुपये से लेकर 2,000, 2,500 और 3,000 तक के भी होटल मिल जाएंगे। आप अपनी बजट के हिसाब से अपना होटल चूज़ कर सकते हैं। बस अभी हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और बिल्कुल रेडी है यहाँ से निकलने के लिए। सबसे पहले यहाँ से जाएंगे हम धनुषकोडी और फिर शाम को करेंगे मंदिर के दर्शन, और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक म्यूजियम है वो भी हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये डे और चलते हैं धनुषकोडी। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी 20 किलोमीटर की है, और फिर धनुषकोडी से आगे अरिचल मुनई तक 5 किलोमीटर की। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं धनुषकोडी को, और धनुषकोडी क्रॉस करते ही आपको अपने दोनों तरफ खूबसूरत नीला समुद्र दिखने लगेगा, और ये नज़ारे आपका मन वाकई में मोह लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ और भी खूबसूरत नज़ारे।
लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो कि है अचल मुनई पॉइंट, ये है बिल्कुल लास्ट टिप ऑफ इट आप कह सकते हैं। धनुषकोटी से करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता है ये, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ लगा है और दोनों तरफ क्या तीनों तरफ मेरे समुंदर ही है, नीला और ग्रीन पानी चेंज होता हुआ बादल की परछाई के हिसाब से। इसके आगे रोड बिल्कुल एंड हो जाती है और सिर्फ आगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से श्रीलंका और 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर। मैं आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत सुंदर नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। ये है लास्ट रोड ऑफ इंडिया, अब ये जनाब यहाँ हमें दूरबीन से श्रीलंका घुमा रहे हैं। इस दूरबीन से आप इंडिया श्रीलंका बॉर्डर, राम सेतु का शुरुआती छोर, इंडियन कोस्टल नेवी शिप्स और श्रीलंका बॉर्डर के बाद की पहली बिल्डिंग देख सकते हैं। अब यहाँ इस साइड में बने हम छोटे से आइलैंड पे जा रहे हैं जो कि अधिकतर समय पानी में ही डूबा हुआ रहता है। तो बिल्कुल अब हम पहुंच गए हैं धनुषकोटी के इस लास्ट पॉइंट पे और ये है लास्ट टिप ऑफ इंडिया। यहाँ से बिल्कुल 18 किलोमीटर दूर पड़ता है श्रीलंका और 8 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर्स और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं समुद्र का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्लू और ग्रीन बादल की परछाई के हिसाब से बदलता हुआ और बिल्कुल सुंदर और साफ बीच है और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और बहुत ही आनंद दे रही है मेरे दिल को भी। मैं यहाँ का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। वैसे तो यहाँ सभी लोगों का आना मना है पर मैं जब वहाँ घूम रहा था तभी मुझे मोबाइल पे एक SMS मिला जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू डायलॉग श्रीलंका और मेरी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट हो चुकी थी और मेरा इनकमिंग और आउटगोइंग इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस लगने शुरू हो गए थे। सेम आपको पानी पीने की बॉटल्स तो नहीं मिलेगी लेकिन ऐसी मेरे पीछे आप जो छोटी छोटी स्टॉल्स देख रहे हैं इनसे आप पानी लेके पी सकते हैं। वाटर बॉटल्स यहाँ अलाउड नहीं है और इसके अलावा आप यहाँ पर पाइनएप्पल, चुकंबर और वाटरमेलन लेकर खा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे, यही सब स्टॉल्स यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉल्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे और ये आप खा सकते हैं और धूप में आपको इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मन तो नहीं भरा पर इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँखों में बसा कर हम अब रेडी हैं बिल्कुल वापस रामेश्वरम जाने के लिए। और रास्ते में तभी हमको कुछ लड़के ये बाइक स्टंट करते हुए दिखे। ये फ्री वाला शो देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं धनुषकोटी के लिए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन। जब 1964 में यहाँ सुनामी आई थी तब ये पूरा स्टेशन बह गया था और बताते हैं उस टाइम एक ट्रेन भी खड़ी थी जिसमें काफ़ी लोग भी थे वो भी उस सुनामी में बह गई थी। तब के बाद से यहाँ ट्रेन नहीं आती है, पहले यहाँ तक ट्रेन आया करती थी। जब ये स्टेशन पूरा टूट गया था सुनामी में तब उसके बाद से अब ट्रेन केवल रामेश्वरम तक ही आती है। तो पुराना जो धनुषकोटी का रेलवे स्टेशन है इसके पास में आपको यहाँ मिल जाएगा फ्लोटिंग स्टोन। ये पत्थर पानी में तैर रहा है और इसका वजन करीब कितना वजन होगा इसका
2 से 3 किलो का भारी पत्थर ये पानी में तैर रहा है, इसके अंदर पानी है और ये पत्थर उसके ऊपर तैर रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक और टूरिस्ट स्पॉट पे जो कि है धनुषकोडी से करीब 6-7 किलोमीटर पहले भगवान राम का मंदिर जहाँ पर विभीषण का राजा अभिषेक किया गया था। रामायण के अनुसार इस जगह पर भगवान राम के द्वारा रावण युद्ध से पहले राजा विभीषण का राजाभिषेक किया गया था। तो अभी हमने दर्शन किए इस मंदिर के, ये यहाँ पर वही स्थान है जहाँ विभीषण जी का राजाभिषेक किया था। विभीषण जी की मूर्ति भी अंदर और ये मंदिर के चारों तरफ पानी है, बीच में एक पतली सी रोड है यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो आज हम टेस्ट कर रहे हैं तमिलियन फूड, हमने मंगाई है 3 तमिलियन थाली और यहाँ की जो लोकल डिशेज हैं वो आज हम करेंगे टेस्ट। राइस सांभर और भिंडी की सब्जी है, स्वीट डिश है पायासा। तो अभी बस खाते हैं खाना और बताता हूँ आपको कैसे लगा तमिलियन फूड। बस मैं भी करता हूँ स्टार्ट। सच में ये तमिलियन खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट था। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ये शोभा यात्रा निकलती है, भगवान शिव और भगवान राम की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है और पूरे शहर में घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वापस मंदिर में उनको ले जाया जाता है। तो आज वो शुभ दिन है क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और आज हम यहाँ देख रहे हैं इस शोभा यात्रा को। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं रामेश्वरम का जो मेन मंदिर है जो फिलहाल अभी तो हो चुका है बंद और कल सुबह खुलेगा मंदिर। तो कल सुबह हम दर्शन करेंगे। शिवरात्रि से एक दिन पहले भगवान शिव की मूर्ति को यहाँ से निकाल कर बाहर रथ में बिठा कर थोड़ा दूर एक पंडित जी के घर ले जाया जाता है जहाँ वहाँ का अभिषेक और पूजा की जाती है। तो इसलिए फिलहाल आज मंदिर ये बंद हो चुका है और कल सुबह 5 बजे वापस से खुलेगा। तो मैं कल सुबह करता हूँ दर्शन, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको करना पड़ता है इस समुद्र में स्नान। तो हम अभी पहुंच गए समुद्र के इस किनारे पे और यहाँ बने हुए 3-4 घाट और आप यहाँ से नहाने के बाद या फिर आचरण लेने के बाद मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर में भी 22 कुंड है, 22 कुंडों में भी स्नान किया जाता है या फिर आचरण मतलब छींटे लगाए जाते हैं, उसके बाद ही भगवान के दर्शन होते हैं। तो पहले हम यहाँ समुद्र में आचरण ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मंदिर के अंदर। समुद्र में स्नान करने के बाद अब हम पहुंचे हैं मंदिर के इस नॉर्थ गेट पे। मंदिर के टोटल 4 गेट हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं रामेश्वरम का मुख्य मंदिर, ये है नॉर्थ प्रवेश द्वार। अब बस इसी गेट से मंदिर जाएंगे। जो मंदिर का मेन गेट है वो तो ईस्ट एंट्रेंस गेट है, लेकिन अभी हम नॉर्थ वाले से ही अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारे लोकल पंडित भी मिल जाएंगे जो आपको अंदर दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उन पंडित के साथ ही अंदर जाएँ, टिकट लेके भी अंदर जा सकते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये टिकट है अंदर जाने की, क्योंकि क्विक दर्शन है, नॉर्मल दर्शन है और कुंड में स्नान करने की भी अलग अलग टिकट है। आप नॉर्मल अकेले जाते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा मंदिर को दर्शन करने में और घूमने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है। आप किसी लोकल पंडित के साथ जाते हैं वो आपसे 1100, 2000, 2100, 3000 आपकी श्रद्धा अनुसार आपसे पैसे लेंगे। ये 1212 पिलर आपको टोटल इस मंदिर में दिखेंगे, जो कि बताया जाता है पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में इतने पिलर नहीं हैं। 1212 पिलर के ऊपर ये मंदिर पूरा टिका हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी एक एक पिलर के ऊपर।
अगर एक एक पिलर देखेंगे इतनी खूबसूरत डिजाइन और इतनी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है दोनों तरफ, दोनों तरफ पिलर आप देख सकते हैं कितनी लंबा कॉरिडोर है। अभी हमने 22 कुंडों में भी स्नान कर लिया है, 22 अलग अलग कुंड थे जहाँ पर आप आचरण करना चाहे तो आचरण वरना नहाना चाहे तो नहा भी सकते हैं। 22 कुंडों में नहाने के बाद आप यहाँ पर कपड़े चेंज करने के बाद ही मंदिर में दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर रामेश्वरम का। हमने कर लिए हैं दर्शन शिव जी के, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, महाशिवरात्रियों के कारण काफ़ी रश भी थी लेकिन हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। करीब पूरा पूरा मंदिर हमको घूमने में 1 से 1.5 घंटा लगा और 22 कुंडों में स्नान भी किया और महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी अच्छे दर्शन हमारे हो गए। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, कुंड में नहाने के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है, स्पेशल दर्शन के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है। आप चाहें तो मिनिमम 50 रुपये की टिकट या 100 या 200 की टिकट लेके क्विक दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर आपको काफ़ी यहाँ पर पंडित जी मिल जाएंगे जो आपको पूरा मंदिर भी घुमा देंगे और अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आपको करवा देंगे। अगर आप रामेश्वरम में हैं और आपको खाना है नॉर्थ इंडियन फूड तो आप आ सकते हैं इस होटल मीरा भवन में, यहाँ आपको गुजराती राजस्थानी और मराठी स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा और टेस्ट भी पूरा नॉर्थ इंडियन ही रहेगा। अगर आप यहाँ आके साउथ इंडियन फूड खा के थोड़ा सा परेशान हो गए हैं और याद कर रहे हैं अपने घर के खाने को तो बेशक आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं लास्ट पॉइंट पर रामेश्वरम के, जो कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल। ये उनका म्यूजियम है जहाँ उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी है और उनके द्वारा बनाए गए जो मिसाइल्स और रॉकेट है उनके यहाँ मॉडल्स भी रखे गए हैं और भी बहुत कुछ है इस म्यूज़ियम के अंदर। मैं अभी जाता हूँ देखता हूँ उसके अंदर, म्यूज़ियम के अंदर फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर की तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता लेकिन मैं अंदर जाके आता हूँ और आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या था। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ के फेमस पंबन ब्रिज पे। रामेश्वरम के इस फेमस पंबन ब्रिज पे आप देख रहे हैं कितना खुला और नीला समुद्र है। अभी यहाँ से ट्रेन गई थी हमने बुक देखा और इतनी तेज हवा चल रही है और बहुत ही समुद्र दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और मेरे इस तरफ भी है, इस तरफ पूरी शिप खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी खड़ी है बाइक्स और ये मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा। इस ब्रिज को आपने काफी सारे पिक्चरों में और फोटो में देखा होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही और अब हम यहाँ से निकल गए हैं कन्याकुमारी के लिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम घूमेंगे और दिखाएंगे आपको पूरा कन्याकुमारी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।